भारत में मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या को लेकर सरकारी एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिंदुओं की जनसंख्या 8% से ज्यादा घट गई है। जनसंख्या के आंकड़ों पर अक्सर ये बात की जाती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें तेजी से कमी आ रही है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने सर्वे में पाया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। बता दें कि 1950 में देश की आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा 9.84% था, ये 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। भारत में पारसी और जैन अल्पसंख्यक आबादी में कमी दर्ज की गई है। हिंदुओं की आबादी घटने का सिलसिला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी देखने को मिला है। यहाँ हिंदुओं की संख्या 84.30% से घटकर 81.26% पहुँच गई है। साथ ही म्यांमार में भी बहुसंख्यकों बौद्धों की आबादी में गिरावट आई है। वहीं इसके विपरीत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही अल्पसंख्यकों की संख्या सिमट गई है। रिपोर्ट के अनुसार ईसाई धर्म बाहुल देशों में भी बहुसंख्यकों की आबादी में कमी आई है, यानी ईसाई धर्म को मानने वालों की भी संख्या कम हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद ईएपी पीएम ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए हैं। बता दें कि किसी देश में बहुसंख्यक उन्हें माना जाता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 75% से अधिक हो। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में बहुसंख्यक आबादी वाले देशों में 65 सालों में बहुसंख्यकों की आबादी में 22% की कमी आई है। बता दें कि ये सिलसिला मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर लागू नहीं होता। मुस्लिम बहुल 38 देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। दक्षिण एशियाई देशों में 65 साल में आए जनसांख्यिकी परिवर्तन की भी तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 78.5% से घटकर 70.80% रह गई है। वहीं श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी में 64.28 से बढ़कर 67.65% हो गई है। श्रीलंका की तरह ही भूटान में भी बौद्धों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है, ये 71.44% से बढ़कर 84.07% पहुंच गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में 1950 में 77.45% मुस्लिम आबादी थी, 2015 में बढ़कर 80.36% पहुंच गई। मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में देखने को मिली, यहाँ 65 सालों में 74.24 से बढ़कर 88.02% मुस्लिम आबादी हो गई है। वहीं अफगानिस्तान में भी मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% पहुंच गई है। दक्षिण एशिया में अकेले मालदीव में मुस्लिम आबादी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, यह 99.83% से घटकर 98.36% पर आ गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।